बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गो के 18th अमेंडमेंट के हवाले से मैंने इंग्लिश वर्जन के साथ एक गुफ्तगू यूट्यूब पे रिकॉर्ड करवाई है, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। मेरे सुनने और देखने वालों के लिए यकीनी तौर पर ये इस वक्त इसकी अशद ज़रूरत मेरी सोच के मुताबिक इस वजह से भी महसूस की जा रही है कि आजकल हमारे टीवी चैनल्स पर और प्रिंट मीडिया में काफ़ी ज़्यादा डिबेट चल रही है, ख़ास तौर पे फेडरल गवर्नमेंट में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उनके वज़रा और दीगर लीडर साहबान के जिनसे 18th अमेंडमेंट को जज़्वी तौर पर या कुली तौर पर ख़त्म किया जाए, क्योंकि बैड गवर्नेंस देखने में आ रही है ख़ासतौर पर सूबों में, जबकि उससे ज़्यादा शिद्दत के साथ सुबह सिंध में, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोन में है जो कि फेडरल गवर्नमेंट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग और दीगर जमातों के साथ अपोजिशन में है, तो थोड़ा सा इस हवाले से ज़रूरी ख्याल किया मैंने कि इस अहम 18वीं तरमीम पर गुफ्तगू की जाए, ताकि बहुत सारे इसके पहलुओं देखा जा सके। इसके लिए थोड़ा हमें पस मंजर में जाना बड़ा ज़रूरी है। जैसा कि आपके इलम में है कि 1977 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, तो जो जनरल इलेक्शन हुए उनके सेकेंड टर्म द्वारा उनको आना था, वो कंट्रोवर्शियल हुए, उसमें रिगिंग के गांधी के इकदाम कर गया गया, वो पाकिस्तान कौमी इतिहाद तश्कील दिया गया, बहुत सारे हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान थे मुख्तलिफ जो सियासी जमातों से वाबस्ता थे, मुल्क में एक जान की कैफियत पैदा हुई, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन हुई जिसमें लोगों का जो कत्ल भी हुए या मारे गए मॉब को कंट्रोल करने के हवाले से, तो उस वक्त के जो हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे जनरल मोहम्मद ज़ियाउर रहमान, उन्होंने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। उस उन एक्शन को मोहम्मद मानुसन भुट्टो उनकी वाइफ थी, उन्होंने चैलेंज किया, वो एक मैटर जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुना तो वो केस खारिज हुआ। उससे जो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर और जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स, क्योंकि मुल्क के हालात का मुकम्मल नहीं हो सकता जिसमें एक लाकानूनी वाली कैफियत थी और इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया जा रहा था, उस वक्त की पोलिटिकल पार्टीज जैसे मैंने बताया पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद पाकिस्तान का भी था, तो खैर वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जब वो केस रिपोर्टेड है TLD 1977 सुप्रीम कोर्ट 657 जिसका टाइटल था बेगम मुसलम भुट्टो वर्सेस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एंड फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये एक सूरत हाल पैदा हुई। लेकिन वो एक अलग सिलसिला है कि उनको मर्डर केस में ट्राई किया गया अपने मिनिस्टर को, उनके कुछ साथियों को, उनको अल्टीमेटली सजाएं भी हुई अदालतों से, वो भी डिबेटेबल होता है, अल्टीमेटली उन्हें फांसी का कटका दिया 1970 में। उसके बाद फिर 1984 में एक रेफरेंडम भी हुआ जिसमें पब्लिक की ओपिनियन ली गई, जनरल ज़ियाउर रहमान साहब के हक में,
उनके पास सदर पाकिस्तान का। फिर जनरल इलेक्शंस हुए और 1985 में, जिसमें नॉन पार्टी बेसिस पे और मोहम्मद खान जुनेजो ने हुकूमत संभाला ऐसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और उस वक़्त की जो असम्बली थी उन्होंने एक 8th अमेंडमेंट मुतारफ करी आईने पाकिस्तान में, जिसमें वो जो एक रिक्वायरमेंट ऑलरेडी आईने पाकिस्तान में और 1973 के आईन में पहले से शुरू से मौजूद थी कि अगर जो लीडर ऑफ दी हाउस हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन के मुताबिक आर्टिकल 48 के तहत अगर कोई फर्ज करें कि किसी लम्हे पे महसूस करते हैं बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर ऑफ दैट वेरी गवर्नमेंट हिज गवर्नमेंट, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर जी इलेक्शन दोबारा करवाए जाएँ, गवर्नमेंट डिसमिस कर दिए या सस्पेंड इलेक्शन असम्बलीज को डिजॉल्व कर दिए। लेकिन ये 8th अमेंडमेंट के तहत उसको डिस्पेंस विद कर दिया गया कि इसकी ज़रूरत नहीं है अगर मुल्क में कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए या इनकी सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट के हालात इस बात के मुतकाज़ी हैं, जैसे मैंने बताया लॉ एंड ऑर्डर है या जैसे करप्शन है या बैड गवर्नेंस है या हुकूमत वो डिलीवर नहीं कर रही जिसके लिए बुनियादी तौर पर बनाई जाती है ताकि लोगों के हकूक़ का तहफ़ किया जा सके और कॉन्स्टिट्यूशन के अहम तकाज़ों के मुताबिक हुकूमत के मामला बेहतर अंदाज से चल रहे हों, अगर ऐसी सूरत हाल ना हो तो फिर वो 8th अमेंडमेंट के तहत ये पावर दी गई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को उस असम्बली के ज़रिए जो मोहम्मद खान ने रेलवे के प्राइम मिनिस्टर थे उसको दिया, उसको जो भी मजलिस तो वो एक हम जिसे आप लोग जानते हैं 58(2)(b) उसके लिए उनकी उसकी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है और प्रेसिडेंट अगर राहत हों तो वो इसका उसे प्रोटेक्शन भी दी गई, जिसे कहते हैं रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर यानी कि एक्सटेंशन ऑफ दैट प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर, तो दैट वाज 79 ऑफ 1985। खैर ये भी हुआ सूरत हाल ऐसी हुई कि कोई ऐसी जो डिस्ट्रेस वाली कैफियत पैदा हो गई या उनके मुताबिक जो प्रेजिडेंट थे जो तो इस तौर पे जो पहला यूँ समझ लें कि विक्टिम बने या उस डेस्क्रेशन को जो 58(2)(b) के तहत प्रेसिडेंट के पास इख्तियार था गवर्नमेंट को डिसमिस करने का और असम्बलीज को डिसॉल्व करने का, तो वो उन्होंने 29 मई 1988 में ये एक्सरसाइज की। पर हालात ऐसे पैदा हुए कि 17 अगस्त और उनकी असम्बली डिजॉल्व कर दी। फिर ये हुआ कि 17 अगस्त को तो पता है कि बहावलपुर में जनरल जवाहरलाल साहब और दीगर जो कुछ हमारे फौजी अफसरान थे C-130 प्लेन का क्रैश हुआ, साथ अमेरिकन के एम्बेसडर भी थे रॉबर्ट ओकले उनकी से शहादत हो गई, जिसका खैर ये एक अलग बहस है कि अभी तक कोई ऐसी प्रॉपर इंक्वायरी नहीं हो सकती व्हाट वर द कॉजेज ऑफ दैट प्लेन क्रैश। नतीजतन उस वक्त के सेनेट के चेयरमैन थे मिस्टर गुलाम निसार खान, गांव में ब्यूरोक्रेट थे, तो उन्होंने बहसीत प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के तहत बरंजमान हुए और जनरल इलेक्शन का ऐलान हुआ, तो मोहतरम बेनजी भुट्टो जो जेल में थी, मुल्क से बाहर थी,
उनके नज़दीक जो ऐसे हालात थे उनके लिए साजगार और सुनना, तो वो आई और उन्होंने इलेक्शन में पार्टी ने उसमें हिस्सा लिया। कामी जमहूरी था भी एक था उनके पास में, तो उन कौमी इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट फॉर्म की। फिर सेकंड टाइम जब 1990 में इसी किस्म की इसी एट्थ अमेंडमेंट के तहत जो 58(2)(b) के तहत सदर पाकिस्तान पे गवर्नमेंट को डिसमिस करने और असम्बली को डिसॉल्व करने का इख्तियार था, उन्होंने इस पास को एक्सरसाइज किया और उस नतीजे में ये गवर्नमेंट ख़त्म हुई। तो उस हवाले से फिर दोबारा फिर उस स्टिपुलेटेड पीरियड में इस हद तक तो कंप्लायंस होती नहीं थे प्रेजेंट प्रोग्राम करेंगे 90 डेज या पीरियड में तो दोबारा मुल्क में कौमी इंतखाबात का इनका करवाया जाए। 1990 में फिर जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पहली दफ़ा असम्बली डिसॉल्व हुई और गवर्नमेंट खत्म हुई, तो फिर वो 90 के इलेक्शन के बाद मियां नवाज की और उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग फर्स्ट स्टेट के बाहर। मैं इसके साथ ही बताता चलूँ कि वो साथ ही वो लीडिंग जो जाहिर है वो जो उनको जारी भी किया, तो वो सबसे पहले जैसे कि ख्वाजा अहमद तारिक रहीम थे, उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने उन उस जो पहले टाइम वो जो मोहम्मद खान जो एजू साहब की जो गवर्नमेंट थी प्राइम मिनिस्टर की डिसमिस हुई थी, वो जो जनरल ज़ियाउल हक़ साहब ने बहसी प्रेजिडेंट ज़ाहिर अपनी क्राइसिस करने लाइफ टाइम में वो चैलेंज किया, तो वो क्या ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने उसको रिलीफ दिया और एक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और लेकिन असम्बलीज रिस्टोर ना हो सकी उसको तो डिक्लेयर किया। वो फिर वो केस भी है, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट को सेट असाइड किया। वो केस रिपोर्टेड है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस हाजी सैफुल्ला खान और ये है PID 1989 सुप्रीम कोर्ट 166/166। जबकि जब उसके बाद जब 90 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जो पहली गवर्नमेंट थी वो डिसमिस हुई, तो वो ख्वाजा अहमद तारिक रहीम थे, उन्होंने वो भी मेरे जुरिस्डिक्शन वाले जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो केस दायर किया, तो वो है वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान PID 1992 सुप्रीम कोर्ट 646 हमारे लाज में मौजूद है। नतीजतन फिर दोबारा मतलब के वो इलेक्शन हुए, यानी उसने जब 90 में गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो फिर बसरे इक्तदार आ गई जनरल इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग और मियां नवाज शरीफ वाज़ द प्रेजिडेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड हिज पार्टी वाज़। तो खैर उनको भी वो जो वो के ये जो ख्वाजा अहमद तारिक रहीम वाला और जो 90 वाली गवर्नमेंट थी वो तो डिसमिस की उस वक्त के प्रेजिडेंट गुलाम इसहाक़ खान साहब ने, और दूसरी दफा फिर जब ये एक नवाज शरीफ साहब 93 तक भी बिफोर ये तीनों मौके ऐसे ही हैं कि 5 साल की टेंड्योर नहीं मुकम्मल हुआ। मोहम्मद जीरो साहब वाली गवर्नमेंट जब बेनजीर साहब वाली गवर्नमेंट और इसी तरह तीसरी दफा ये जो मियां नवाज शरीफ साहब, तो उसके नतीजे में एक केस फाइल हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, फुल बेंच ने उसे सुना, सुनवाई के बाद ये एक रिपोर्टेड है
PLD 1993 सुप्रीम कोर्ट 473 जैसे सेकंड टाइम के सदर पाकिस्तान ने 58(2) भी के तहत तो जो 8th अमेंडमेंट जो उनका आईन जिक्र किया था वहाँ दी गई थी, ये एक सूरत हाल पैदा हुआ। अब ये वो के रिलीफ दिया गया, आप लेकिन इस दौरान जितना अर्सा केस डिपेंडेंसी के दौरान गार कुछ मामला इस किस्म के सियासी के मामलों की कुछ टिल्ट करवाई गई या हुई तो वो उसका फ्रूट ना दिया जा सका, फ्रूटफुल ना हो सकी वो जजमेंट, और तो सियासी जमातों के आपस में जैसे इतिहाद बदलते हैं तो ना सिर्फ सदर पाकिस्तान उस वक्त गुलाम इसहाक खान साहब को जाना पड़ा बल्कि नवाज शरीफ साहब को भी दोबारा वो रेस्टोरेशन के बावजूद कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया था, मैंने बताया जो रिपोर्टेड है PLD 1993 सुप्रीम कोर्ट 473 दोबारा जनरल इलेक्शन हुए। उन जनरल इलेक्शन के नतीजे में फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत संभाला और गवर्नमेंट बनाने में खास के फेडरल में बाकी सूबों में नहीं थी तो उसमें सिंध में थी और फेडरल गवर्नमेंट में थी या दीगर कुछ पंजाब में, वो फिर एक जो उन्होंने उन पर लेकिन हुस्न इतफाक ऐसा है कि उस वक्त क्योंकि दोबारा जो 1993 में होने वाले इलेक्शंस के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और उन्हीं के अपने जो पिछली हुकूमतों में बहसीत वज़ीर ख़ारजा और अर्बन वाटर एंड पार्क के मिनिस्टर भी रहे थे, बड़े स्टारवार्ड थे, बड़े पुराने पॉलिटिकल लीडर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार फारूक अहमद खान, लेकिन कुछ इख्तलाफात ऐसे पैदा हो गए प्रेसिडेंसी में और उस वक्त की जो फेडरल गवर्नमेंट थी प्राइम मिनिस्टर ने दीगरान में, तो उन्होंने 1996 में उसी 58(2)(b) के कोड का इस्तेमाल करते हुए जो 8th अमेंडमेंट में प्रोवाइडेड था 1985 वाली 8th अमेंडमेंट वो गवर्नमेंट को भी डिसमिस किया और असम्बली को भी डिसॉल्व किया और उस डिसोल्यूशन ऑफ असम्बली एंड डिसमिसल ऑफ द गवर्नमेंट के उस एक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करवाने के लिए उसे सुप्रीम कोर्ट के पास चैलेंज किया गया। तो वो केस रिपोर्टेड है PLD 1998 सुप्रीम कोर्ट 388 जिसका टाइटल था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन रिलीफ वो ना मिल सका। वो एक दो ही मौके ऐसे थे जैसे मैंने बताया, जैसे वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान हाजी सैफुल्ला खान के और जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जैसे PLD 1993 सुप्रीम कोर्ट 473। तो ये एक मामला चलता रहा ऑलमोस्ट इन जैसे आप गो थ्रू करें और स्टडी करें रिपोर्टेड जजमेंट्स को तो एक तकरीबन एलिगेशन आइडेंटिकल रहा, वो करप्शन के हवाले से था कि जी या बैड गवर्नेंस के हवाले था, नेपोटिज्म के हवाले से था और मुल्क के हालात बेहतर अंदाज से फंक्शन नहीं अदा कर रहे थे, तो ये सारा वो तकरीबन से बताया कि करप्शन के एलिगेशन। बीच में जैसे 1996 में जब उस वक्त के प्रेजिडेंट सरदार फारूक अहमद खान लगाई ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पार्टी की गवर्नमेंट को डिसमिस किया, उसमें एक आपको याद होगा कि वे बी वन ऑफ दी एलिगेशंस था फॉर एक्सरसाइजिंग दी पावर अंडर आर्टिकल 58(2)(b) ऑफ द 8th अमेंडमेंट ड्यूरिंग द प्रीमियरशिप ऑफ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इन द ईयर 1996। मीर मुर्जा भुट्टो सन ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो एंड ब्रदर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वाज आल्सो किल्ड अलोंग विद वन अदर पर्सन अली मोहम्मद भुट्टो इन पुलिस एनकाउंटर कराची। ये भी वन ऑफ दी था इस किस्म की सूरत हाल पैदा हुई थी।
अच्छा इसमें बड़ी ये बड़ी एक बड़ी जरूरी है, बड़ी रेलेवेंट है, बिफोर डिस्कसिंग दी अमेंडमेंट ब्रीफ मैटर, कि जिस वक्त 96 के बाद जब मोहतरम बेनजीर भुट्टो की खात्मा हो गया, फिर जनरल इलेक्शन हुए, तो उसके नतीजे में मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग वैसी मेजॉरिटी पार्टी कामयाब हुई और गवर्नमेंट बनाई गई 97 में, जो कि फिर आगे 99 तक रही। 12 अक्टूबर 1999 में फिर एक ऐसे हालात पैदा हुए, तो उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने उन्होंने हुकूमत से मारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाहर ये मीन वाइज, लेकिन उस चीज़ को रियलाइजेशन जो पहले 3-4 दफ़ा जैसे मैंने बताया 88 में 58 टू भी का, वो तो खैर जनरल ज़ोर साहब के ज़माने में इख्तियार इस्तेमाल होकर मोहम्मद खान जुबेर की गवर्नमेंट उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर की डिसमिस हुई और सचिन अग्रवाल भी जैसे वो केस ला भी उन्होंने अर्ज किया है, उसके बाद जैसे फिर दोबारा उस वक्त गुलाम शाह खान साहब ने उनकी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, फिर मियां नवाज शरीफ की, और फिर जब दोबारा आपको पहले बताया उनकी पार्टी की 96 में, इस तारीखी हवाले से या ये जो मुल्क में इवेंट्स टेक प्लेस होते रहे और उन पार्टीज़ के बकौल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और दीगर जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी उनके नज़दीक ये ऐसी खूबसूरत हाल थी। फिर 97 और 99 के दरमियान जब तक दोबारा जनाब परवेज मुशर्रफ ने उनकी गवर्नमेंट में गुजार की, एक 13th अमेंडमेंट के जरिए 8th अमेंडमेंट को ख़त्म किया गया। लेकिन जब फिर मुशर्रफ ने उन्होंने हुकूमत संभाला और तरह की बाद में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे अज़म तश्कील पाई और बाद में 2002 से ऑनवर्ड एक जो टेन्योर है उनका, उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग हुई। लेकिन फिर एक 17th अमेंडमेंट के जरिए उस 13th अमेंडमेंट को ख़त्म किया गया और फिर उसको 8वीं तरमीम को बहाल कर दिया गया। ये सारा एक मुल्क में सिनेरियो सियासी हवाले से डेवलप होता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास भी मैटर चलते हैं। खैर ये इसके बाद जब 99 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत ख़त्म हुई तो उसे जब चैलेंज किया गया तो वो केस है सैयद जफर अली शाह वर्सेस जनरल परवेज मुशर्रफ, ये रिपोर्टेड है PLD 2000 सुप्रीम कोर्ट 869। तो खैर उबार में ये रिलीफ दूसरा एडिक्यूट और अप्रोप्रिएट रिलीफ ना मिल सका, कुछ रिकमेंडेशन दी और बाकी लीगल फ्रेमवर्क ये एक अलग सिलसिला चल पड़ा। ये सारा इस अब जब दोबारा फिर ये बीच में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्योंकि हुकूमत रही 2002 से लेकर 2007 तक, तो 2008 वाले जो जनरल इलेक्शन हुए वो आपको पता है मीन वाइल, क्योंकि उस वक्त की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खासतौर पर मोहतरम बेनजीर भुट्टो और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लीडर मियां नवाज शरीफ भी जिलावत नहीं की थी गुजार रहे थे, वो उसका पैदा हाई जैकिंग केस और फिर ट्रायल और फिर कोई उनका बाहर चले जाना, वो एक उन्होंने जिसे आप सब लोग जानते हैं लीगल फ्रटर्निटी से अलग रखते हैं और जूरिस्ट हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को समझते हैं, तो वो फिर एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन हुआ, इसमें कुछ उस वक्त तक ये गया कि एक दूसरे को हमें वो रहा है जब इस किस्म की सूरत हाल पैदा होती है और आर्मी से बात किया तो उनके मुताबिक उनकी समझ और अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक सियासी जो पार्टीज़ हैं द्वारा जब फिर अपोजिशन में जो होती है वो फिर आपस में एक टग ऑफ वार कंटिन्यू रहता है,
अपनी अपनी जस्टिफिकेशन और अपनी अपनी रीजन होती हैं ताकि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से उस वक्त चल रही होती है ताकि वो ना चल सके या कोई मिड टर्म वाले इलेक्शन वाली सूरत हाल हो या सियासी मुल्क में अपने इस तरह काम कर रही ये एक अलग सी एक डिबेट मौजूद है पहलू मौजूद है। खैर ये फिर जब दोबारा फिर 2008 में जो जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में मुनद हुए तो उसका नतीजे में फिर फेडरल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अनाने हुकूमत संभाला जबकि सूरत हाल पंजाब गवर्नमेंट क्या था उसमें भी सिंध में पर्सनल पार्टी थी दीगर पैसे तो उसका ये इस जनरल इलेक्शन के नतीजे में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बन गई तो प्रायोरिटी यही थी कि किसी तरीके से एक्ट अमेंडमेंट को ख़त्म किया जाए ख़ास तौर पर वो के जैसे यूसुफ अलानी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे पाकिस्तान के और आसिफ अली जरदारी के बीच में ट्रैजिक वाक़या भी हुआ दिसंबर 2007 में यानी कि इलेक्शन से पहले मुस्लिम कैंपेन के दौरान एक बम ब्लास्ट होता है और ऐसा एक दोना सानिया रूम और याकत बाग रावलपिंडी में जिसकी वजह से लेकिन जनरल इलेक्शन का डेट एक्सटेंड हुई थी लेकिन 2008 में बावजूद शहादत के काफ़ी दीगर लोग उनके साथ बम क्लास में और जो सुसाइड बॉम्बर्स थे वो एक अलग केस है हमारे जैसे फैसला कुछ मुसलमान किया था हुआ भी है तो ये एक जनरल इलेक्शन के नतीजे में फिर एक फौरी तौर पर कमेटी बनाई गई 26 सरपंचों तो तकरीबन जो होता है छोटी थी या बड़ी थी चाहे अपोजिशन में थी चाहे एक ही रिप्रेजेंटेशन थी वो भी एक हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सियासी रहनुमा हैं मियां रज़ा रब्बानी पुराने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर हैं नदरीना साहब हैं तो काफ़ी डिबेट और डेलीगेशन के बाद उन्होंने एक एक रिपोर्ट पेश की ताकि एट्थ अमेंडमेंट व दीगर भी कुछ ऐसी तरह में दरकार थी जो मुख्तलिफ द्वार में होती रही हैं मुख्तलिफ हुकूमतों के दौर में तो ये फिर ये उसकी रिकमेंडेशन पे 2010 में ये 18th अमेंडमेंट जो एक्ट के लिए मुतारफ़ कराई गई तो जिसके तहत फिर 8th अमेंडमेंट को ख़त्म किया गया और इसे समझा जाता है कि उस वक्त के प्रेसिडेंट मिस्टर आसिफ अली जरदारी ने अपनी जो पावर्स थी अंडर आर्टिकल 58 टू बी टू डिसमिस द गवर्नमेंट ऑफ द मीरो कैबिनेट एंड गवर्नमेंट एंड डिसॉल्व द असेंबली वो उससे अपने आप को डिस्टेंस किया और अगर वो ख़त्म की अपने यानी कि जो पावर थी अपनी सरेंडर करने कि नहीं ये वो जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन मौजूद है 48 की कंप्लायंस जो हम सिर्फ लीडर ऑफ द हाउस ऑफ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही प्रेजिडेंट अगर ऐसी जरूरत महसूस करे या वो ख़त्म कर सकता है इस मुल्क के हालात इसके मुतकाजी हों या फिर वो समझे कि उनकी हुकूमत इस वक्त अक्सरियत का जो बैकिंग है या सपोर्ट है असम्बली में वो खो जा रही है और नो कॉन्फिडेंस यादमाद का अंदेशा है तो वो उस वो उसे जो जो असल रूह है फेडरल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो जो 1973 का जिसे हम कहते हैं का आइन है जिसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर फ्राहम किया गया है रन दी अफेयर्स ऑफ दी स्टेट उसे 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस वक्त के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स को प्राइम मिनिस्टर भुट्टो के जमाने में असम्बली से मुख्य तौर पर नजर है आइन में जब तरमीम होनी है कोई तो वो तो फिर वो टू थर्ड मेजोरिटी और उस वक्त जो कंसेंसस था जैसे हम कहते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन इज दी सुप्रीम सुप्रीम इन सेंस नॉट लाइक कुरान एंड सुन्ना बट सबॉर्डिनेट उसमें जो सुप्रीम लेजिस्लेशन होती है और वो
और एक्ट वगैरह जैसे पास किया जाता है, चाहे प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो, वो प्रोविंशियल सबने डील करना है या जो फेडरल का कोई कानून है, तो वो उसने वो एक सिंपल मेजोरिटी के लिए उसे सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन जो हमारी लीगल टर्मिनोलॉजी में या कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट जो हैं वो उसको इस अंदाज से रहेंगे। तो ये वो चीज़ें थी कि जो गुजरिया एड्स अमेंडमेंट, तो ये हाल में मैं आपको उदाहरण नेशनल असेंबली में ये अमेंडमेंट की बिल और प्रपोजल पेश हुई, वहाँ से फिर 2020 के साल के यार सेनेट में गया, अपर हाउस ऑफ दी, उन्होंने उससे एक्शन डोज किया, अल्टीमेटली जो उनके प्रेजिडेंट थे शाह से जवाही, उन्होंने उसकी कंसेंट दी और उस अमेंडमेंट के एक्ट को साइन किया, उसे फिर आइन ने पाकिस्तान का हिस्सा बनाया, जिसने एड्स अमेंडमेंट को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया, ख़ास तौर पर वो जो बता रहा हूँ जिसमें सराफी गवर्नमेंट। तो ये हो रहा है, फाइनल इसी ये हो गया 19 अप्रैल 2010 को, तो वो के 2008 से इदारे नानी हुकूमत संभाल लिया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और फेडरल गवर्नमेंट में, लेकिन ये टू लॉन्ग ईयर्स डेलीब्रेशन डिस्कशन सीकिंग दी रिकमेंडेशन ऑफ द 26 मेंबर्स कमेटी बीइंग हेडेड बाय मिस्टर जौहर। खैर ये मैं थोड़ा सा मुफसर जो 18th अमेंडमेंट में चीज़ें आनी हैं, जैसा कि आपके वो जो 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 पहली पेज में जो बात की गई है, तो वो हम एक आप पख्तून आवाम की बड़े अरसे से दरीना एक चल रही थी खास कि NWFP नॉर्थ वेस्टर्न NWF फ्रंटियर प्रोविंस का नाम नहीं होना चाहिए, इसकी बजाय खैबर पख्तूनख्वा, अब भी मुझे मेजॉरिटी उनकी थी पख्तून की, तो उनके खास के इसको खैबर पख्तूनख्वा, तो ये अमेंडमेंट भी उसी 18th अमेंडमेंट के तहत मुतारफ कराएगी। इससे पहले खैर वो था कि कॉन्स्टिट्यूशन में से जो जवाहरलाल साहब का नाम रिमूव किया जाए, वो एक अमेंडमा, जब कोई किसी कानून में या आइन में जब कोई तरमीम होती है तो इवन एक फुल स्टॉप और कॉमे का भी लिहाज रखा जाए, छोटे से लफ्ज का भी, किसी लेटर में की भी गलती हो, तो वो जैसे मैंने कहा कि KPK का नाम आ गया, नया रीनेम हो गया NWFP, इसी तरह बलूचिस्तान में जैसे स्पेलिंग है पहले यू आता था CHITA, तो कारण यू वाला सही नहीं है, तो बलूचिस्तान में फिर ALOCHITA है, ये अमेंडमेंट आई, तो लेटर ए की बजाय ओ शामिल किया। तीसरा सिंध का चल रहा था SIND सिंध, तो उसे कहा गया कि नहीं इच ऐड करेंगे, यानी कि सिंध का वो जोर था वो इच के इजाफे के साथ। इसी तरह आर्टिकल 90 ने जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है 90, तो इसका फर्दर एक 19A मुतारफ कराया गया कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, ताकि हर बंदे को ये हक हासिल हो तो वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो भी है वो उन तक हम वो उनकी इंफॉर्मेशन की रसाई हो, कि मालूम देना चाह रहे हैं, वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, वो हर सिटीजन का ये फंडामेंटल राइट होना चाहिए कि वो ये पता करेगा इसमें ट्रांसपेरेंसी हुई है, इसमें कहीं कोई अकबा पटरी तो नहीं हुई, कुछ लोगों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया वगैरह वगैरह, या डिफरेंट बड़े पब्लिक प्रोजेक्ट को फंडिंग होती है, तो ये एक उसमें 19 जिसके तहत 2013 का पंजाब में अलग से प्रोविंशियल इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 भी असम्बली से अलग से पास करा, जो नाफिज हो गया। इस तरह 25 आपको पता है, जैसे ओरिजिनल 25 है वो तो है पर्टेनिंग टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं तो ये वन ऑफ दी फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उसमें ऐड मजीद किया गया है 25A। 25A का मंशा ये है कि जी एवरी इनरेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर वेदर गर्ल और बॉय बट इट फॉल्स विद इन द एज ब्रैकेट ऑफ 5 to 16 ईयर्स, जब बच्चा 5 साल के बाद ही स्कूल में दाखिल करवाया जाता है, तो 16 ईयर तक जो उसकी एजुकेशन होगी वो फ्री होगी और इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। तो खैर ये अलग डिबेट है कि उसके 18th अमेंडमेंट के बाद उसे
कितना उन मकासद को हसूल किया जा सका और कितना जैसे डिफरेंट प्राइवेट स्कूल सिस्टम है, मुख्तलिफ किस्म के हमारे यहाँ स्कूल के सिस्टम राइज हैं, प्राइवेट सेक्टर में और है, पब्लिक सेक्टर में और है, लेकिन गवर्नमेंट के जहाँ तक मिशन में चला गया तो ये एक पैरामाउंट ड्यूटी इस आर्टिकल 25 है। इसी तौर एक और बड़ी अहम तरमीम गुजरिया 18 हुई, जैसे पहले ये था कि एक शख्स दो टेन्योर में ही प्राइम मिनिस्टर का अहदा संभाल सकता है, तो इस बैन को भी उन्होंने लिफ्ट किया इस तौर के थर्ड टाइम भी प्राइम मिनिस्टर, और यही एक वजह थी कि जिस दोबारा रखते जब 2013 के इलेक्शन में आपको पता कि मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने जो टेन्योर 2013 से 18 तक रहा, तो ये थर्ड टाइम वही इसी 18th तरमीम ही के कामर होने उम्मीद है। इसी तौर एक और बहुत अहम तरमीम की गई रेलेवेंट आर्टिकल जो कि सेनेट की जो पहले से दी गई सीटों की तादाद थी उसको बढ़ाकर 104 किया गया, जिसमें ख़ास तौर पर हर सूबे से एक माइनॉरिटी की से दिया जाएगा, और नेशनल असम्बली की सीट्स को पहले की नस्बत बढ़ा दिया गया, और जो हाउस है वो 342 मेंबर्स पर मुश्तमिल है। तीसरा आर्टिकल 6 है पर्टेनिंग टू हाई ट्रीजन, के इसमें स्पेसिफिकली 18 अमेंडमेंट में ये शामिल किया कि अब अगर कोई भी यानी कि अगर आइन को सबवर्ट करेगा, उसको ट्रांसग्रेस करेगा जो एक्चुअली उसकी रू है बेसिक स्ट्रक्चर के हवाले से, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो वगैरह कोई भी हो सकती है, डिलीट भी किया जा सकता है किसी प्रोविजन को, एडिशन भी हो सकता है, इंसर्शन भी हो सकती है, लेकिन वो एक जो आईने पाकिस्तान में अगर जरूरत है तो उसका एक तरीकाकार है, लेकिन अदरवाइज किसी और जो फेडरल एक्ट है या जैसे प्रोविंशियल एक्ट है कोई कानून है सूबाई या तो वो असम्बली एक सिंपल मेजोरिटी से भी कानून किसी किस्म की तरमीम भी कर सकते हैं, जैसे इसके जरिए तो 2/3 वाला क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करके कंसेंसस बिल्डअप हो चुका था, रिपोर्ट भी बकायदा हासिल कर गई थी, लेकिन दीगर भी शामिल की गई थी, सिर्फ 58(2) भी तक कन्फाइन नहीं था और भी था, मसलन कुछ रिटेन भी किया गया, जैसे 1985 की 8th अमेंडमेंट के तहत ही 2A एक आर्टिकल मुतारफ कराया गया अजाफी 2 के साथ, जिसमें आपको केलम में है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ 1949 जो एक बेसिक एक तरह का स्ट्रक्चर उस वक्त फ्राहम किया गया, 1947 में 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, अभी तक आईने 9 नहीं बनाया जा सका, अभी मुल्क का जो निज़ाम था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही चलाया जा रहा था, उसी से बारो किया जा रहा था, इसीलिए गवर्नर जनरल वगैरह को बाला उसी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत था, खैर ये एक लेकिन इस 18th अमेंड में आर्टिकल 2A को जिसको इंटेग्रल पार्ट बनाया गया, और मेन उसका जो टेनर था वो ये कि कुरान एंड सुन्ना शैल बी द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री इन कॉन्सोनेंस विद आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक, इसके द्वारा आर्टिकल 8 तहत ऐसा कोई आता है जैसे केसेस थे जो उस इस्लामिक टीचिंग के टच स्टोन पर कुरान को सुन्ना के मुताबिक ये जैसे कोर्ट में चालू होते हैं तो उसको देखा जा सकता है, उसे रिटेन किया गया। इस 1949 के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ही सेपरेशन ऑफ इंश्योर थी जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, जस्टिस की अपॉइंटमेंट के हवाले से भी और डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के हवाले से भी, बगैर किसी एक्सट्रेनियस इन्फ्लुएंस एंड कंसिडरेशन एंड इन्फ्लुएंस के अदालत ने अपने हर लेवल पर, तो ये 2A में ये रिटेन रहा इन अकॉर्डेंस विद स्पिरिट ऑफ 8th अमेंडमेंट, जबकि ये और दीगर कई जो अमेंडमेंट थे वो कट्ठी करके 18th अमेंडमेंट के तहत फिर रैप अप कर दी, ख़त्म कर दी।
तो ये इसी तरह जुडिकेटर वाला हमारा चैप्टर है 1975 आर्टिकल, उसमें 175A का जो अमेंडेड आया 18th अमेंडमेंट के तहत में नया मैकेनिज्म वजह किया गया रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड एलिवेशन ऑफ जजेस ऑफ द सुपीरियर कोर्ट। जुडिशियल कमीशन वॉज पॉस्टुलेटेड अंडर आर्टिकल एंड अंडर दिस आर्टिकल सर्टनली ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ दैट जुडिशियल सॉरी ऑफ द हाईएस्ट ऑफ द जुडिशियल कमीशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ द रिस्पेक्टिव सीनियर सीनियर जजेस टू सीनियर जजेस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी ऑफ पाकिस्तान फेडरल लॉ मिनिस्टर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान बार काउंसिल पंजाब बार काउंसिल सो फोर्स नाइन मेंबर कमीशन। बट फर्दर अगर कंसेंसस से नाम रिकमेंड होगा जुडिशियल कमीशन से बट इट वुड बी इट वुड ऑल्सो बी टेकन बिफोर द पार्लियामेंट्री कमीशन सो दैट इनेबलिंग यू नो पार्टी विच इज रूलिंग द कंट्री एंड द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सो दे ऑल्सो एंड सम अदर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इसी तरह आर्टिकल 213 और 214 जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पोस्ट होती है तो जब जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जब वेकेंट होगी तो नए इनकमबेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए इसमें भी ये इंसर्ट किया गया है इस अमेंडमेंट 18 के जरिए कि जो लीडर ऑफ दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड दी लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन दे डेवलप कंसेंसस सो दैट इट कुड बी इंश्योर हूएवर इज बीइंग अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ही हैज टू परफॉर्म वेरी डेलिकेट एंड सेंसिटिव ड्यूटी when our general elections are held as we have experienced in the last general election of 2018 when I was district attorney of the next district and then I was district attorney officer and posted at Lodhra so this was the scenario to wo main kehte us khas purpose ke liye hum administrative control mein chale jate hain so jo instruction hote hain uske taraf khair ye ek hamara ये वो अहम थी और इनसे सबसे ज़्यादा जिसकी वजह से अब ये एक जो डिबेट वाली कैफियत है मैंने इंट्रो में भी बात बताई है कि खासतौर पर पाकिस्तान पार्टी जो कि सिंध में के पास हुकूमत है और काफ़ी सक्सेसिवली वहाँ पे बन रही है दो तीन टन और से अब भी है वो कि फेडरल में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है लेकिन लीडरशिप के दरमियान खासतौर पर ये COVID-19 के सिनेरियो में भी कुछ डिस्ट्रस्ट वाली सिचुएशन पैदा हुई है तो उसके इनके मुताबिक ये जो काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज जो डिवॉल्व हो गई हैं फेडरल से तो इस पर हमें अपने तौर पर एक उनका ख्याल है कि नहीं 18th अमेंडमेंट में अमेंडमेंट की ज़रूरत है ये इसे खत्म करने की ज़रूरत है चाहे जुजवी या कुली तौर पर और या 8th अमेंडमेंट या क्या नई नई शक्ल बनती है ये तो इट वुड बी सीन फ्यूचर। सो ये इसी तरह ये मैं जैसे पूरी एक आपको ओवरव्यू दे रहा था 18th अमेंडमेंट के हवाले से तो मैं हल्का सा वो आपके लिए जिक्र भी कर देता हूँ कि जो मतलब जो फेडरल एजुकेशन मिनिस्ट्री थी एक इंडिपेंडेंट उसे उसका हिसाब बना दिया गया फेडरल एजुकेशन लेकिन मेनली इसे को डिवॉल्व कर दिया गया। इसी तरह आर्कियोलॉजी एंड कल्चर का रीनेम किया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर उसे कन्फाइन एनवायरमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो के मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन तो ये भी कहा जाता है कि एजुकेशन और हेल्थ क्योंकि प्रोविंशियल सर्विसेज दी मैटर शुड हैपन विद इन दी डोमेन एंड कंट्रोल ऑफ दी प्रोविंसेस।
इस मिनिस्ट्री ऑफ स्पेशल इनिशिएटिव खत्म कर दी गई, उसमें अननेसेसरी कोई इसका बेनिफिट हो, इससे कोई मुफाद हासिल नहीं किया जा सकता। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड मैन पावर अभी उसका नाम चेंज करके कन्फाइन कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तान रिसोर्स डेवलपमेंट, ज़्यादातर ये देखे ओवरसीज के जो पाकिस्तान के बाहर रहते हैं उनके मामला को देखा जाए, क्योंकि लेबर क्योंकि ज़्यादातर बाहर सूबों से निकलता है तो वो देखें। लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट वो से फेडरल डिस्कल कर दिया गया, वो नीड ऑफ क्योंकि लोकल गवर्नमेंट अगर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं तो अपना एक अलग से एक लोकल बॉडीज का कानून भी ठीक होने मौजूद है। इसका मिनिस्ट्री ऑफ मिनॉरिटीज हैज बीन मर्ज मर्ज विद मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, से इसका हिस्सा बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, वो इंडिपेंडेंट पिछले आपके अलग होते थे नियती अमूर के वजीर को, तो समझा गया कि ये एक अलग से एक्सेप्ट करके पे बोझ है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर वो भी ख़त्म कर दी है फेडरल लेवल पे, तो इट इज़ जस्ट प्रोविंशियल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर द्वारा जब ये डिवॉल्व हुए हैं सूबों में ये मिनिस्ट्रीज और बहुत सारे महकमे, तो वो उसके तहार से जो रिलेटेड एसेट्स थे ये भी उधर गए हैं, फिर वो एक अलग डिस्पर्समेंट ऑफ फंड होती है, कुछ फेडरल लेवीज होती हैं गवर्नमेंट रिसीट्स टैक्सेस के जो पैसा इकट्ठा होता है फिर वो आगे सूबों में तकसील किया जाता है। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट है, तो ये एक पूरा इसीलिए तो कहते हैं ना कोई भी किसी मुल्क का आइन जो होता है वो एक बड़ा बेसिक स्ट्रक्चर भी मुहैया करता है और वो तमाम फंडामेंटल्स जो दिए गए हैं जैसे मैंने बताया जुडिशरी है, गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है। अच्छा फिर ये इसमें 18th अमेंडमेंट के तहत ये भी मुतारफ कराया गया कि काउंसिल ऑफ कम्युनिटीज जिसको हेड करते हैं बींग चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, तो ये नहीं रेगुलर बेसिस पे होती है, उन्होंने कहा कि हर एवरी 90 डेज वंस इन 90 डेज द मीटिंग ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी कंप्राइज ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर मिनिस्टर, तो वो बड़ी हाई पावर्ड है, उनकी रिकमेंडेशन वो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो ये इस अंदाज से ये हुआ जैसे खत्म कर दो, इस तरह नेशनल फाइनेंस कमीशन है कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी है, ये भी इन सारी चीज़ों को देखने के लिए सूबों के मामलात और फंड्स की तकसीम के हवाले से, तो ये मैं समझता हूँ वो कि इस पर एक इटसेल्फ एक रिसर्च दरकार है कि इन दी पोस्ट 8th अमेंडमेंट अरीनाज ऑफ डिफरेंट अरीनाज व्हाट ऑब्जेक्टिव्स वर अचीव्ड रिगार्डिंग गुड गवर्नेंस डेवलपमेंट इन दी कंट्री एंड फॉर फैसिलिटेटिंग दी पब्लिक पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू हेल्थ सेक्टर एंड एजुकेशन, वाइल अगर 18, 2010 से भी अब तकरीबन 10 साल होने वाले हैं जो भी अखबार गुजरे हैं जिन गवर्नमेंट्स के जैसे 2013 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो बरसे इकतार रही है वहाँ भी सुबह पंजाब में भी बीजेपी जगहों पर अलायंस थे, अब 2018 के जनरल इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की तारीख इंसाफ का फेडरल गवर्नमेंट का गवर्नमेंट 3 सूबों में भी पंजाब में भी अपने लाइट अलायंस बनाने के बाद पार्टीज के साथ बलोचिस्तान में भी और केपी के भी जबकि गिलगित बल्तिस्तान और सिंध में भी गिलगित जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो उनकी हुकूमत है पार्टी काफ़ी 3-4 टनोर से मुसलसल आ गई, तो वो एक अलग एक रिसर्च की ज़रूरत है इस एंगल से भी देखा जाए। वह मैं समझता हूँ कि चाहे कोई कानून में तब्दीली हो या आईने पाकिस्तान में कुछ जैसे तरामीम अखबार में जैसे जरूरत महसूस की जा सकती है जो पार्टीज भी करती हैं या उसे जैसे स्क्रैप करती हैं या रिटेन करती हैं या एडिशन होती है, क्या लोगों के फंडामेंटल राइट्स आम लोगों तक उसकी उसके बेनिफिट्स पहुँच रहे हैं। कोई भी आइन है या कानून है असल बुनियादी मकसद तो ये है कि लोगों के साथ इंसाफ हो रहा है, लोगों के साथ माशा इस्तेहकाम मुल्क में है जिसकी वजह से लोगों को रोज़गार मुहैया किया जा रहा है, लोगों के साथ
बराबरी के साथ सलूक किया जा रहा है। अदारों में जब तकरियाँ होती हैं या जो भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट है और बयान इसी तौर हमारे जैसे जजेस की एलिगेशन होती है या जो भी चाहे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की जजेस के लेवल की बात है चाहे सुप्रीम कोर्ट की, तो क्या उनमें भी हर चीज़ को खसूस तौर पर मद्देनजर रखा जा रहा है। तो ये एक सेल्फ इट रिक्वायर्स अनदर टॉक very comprehensive. So, if I got gives me the opportunity, I'll talk on that, discuss in that aspect of the matter. So, ये जैसे मैंने आज किया कि मैंने पहले एक करवाई है discussion 18th amendment, क्योंकि इसको उधार है इसकी उसके nexus और relevance के बगैर तो इसे नहीं समझा जा सकता। और मेरा इससे मकसद ये है, जैसे मैंने पहले भी ये बात अर्ज की है अपने सुनने वालों को, खास तौर पर जो लीगल फ्रेटेंटी से लोग हैं, लॉयर्स हैं और जूरिस्ट हैं और जजेस हैं एट ऑल लेवल, कि ना सिर्फ और जो खास तौर पर जो लोग इंस्पायर करते हैं जुडिशियल ऑफिसर, ताकि क्योंकि अक्सर सीआरटी अमेंडमेंट पर सवाल भी आ जाता है, मैं पीछे मार्ची में शरीफ रहा हूँ, कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट एग्जाम से उसमें तो ये इस किस्म के सवाल कॉन्स्टिट्यूशन वाले कोर्स में आते हैं, टॉप स्टूडेंट उनके और कोर्स का आउटलाइन है। तो ये एक मैंने कोशिश की है अपनी एक जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है रीडिंग केसेस को पढ़ने के बाद ज़्यादा रहने के बाद, तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन दिस इमर्जिंग सिनेरियो। थैंक यू वेरी मच।